नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में दिन की पहली खबर, जहां पर सेवा दल के सदस्यों द्वारा रक्तदान महादान का संदेश देते हुए रक्तदान किया। रक्तवीर सेवा दल के द्वारा यह रक्तदान शहर के जिला अस्पताल में किया गया, जहां पर युवाओं को संदेश देने के लिए यह रक्तदान का आयोजन किया गया। जहां जिले भर में इमरजेंसी केसेसों में रक्त का अभाव पड़ जाता है और जिसके कारण घटनाएं ना होने पर भी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। रक्त का अभाव पूरे जिले भर में देखा जाता है और इसी पर युवाओं को एक संदेश के माध्यम से यह रक्तदान सेवा दल द्वारा किया गया। ये युवाओं में संदेश देना चाहा है कि युवा इस महान कार्य में आगे आए, क्योंकि जिले में बहुत कमी रहती है रक्त की और रक्त के अभाव में, थैलीसीमिया के अभाव में बहुत सारी जाने जाती हैं और युवाएं वृद्ध सभी इस कार्य में अपना अपना सहयोग दें, जिससे इस चीज़ से हमारे जिलेवासियों को बहुत ज़्यादा राहत मिले। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर, जहां पर गोपालगंज निवासी किशन प्रताप सिंह अपने परिवार के ही लोगों को प्रवाह तक छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी बरकुआ के पास जंगल में उन दो युवकों द्वारा किशन प्रताप सिंह के हाथ पैर बांध कर लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी, जिसके बाद उसके घर तक ले जाने के बाद भी दोबारा से उसके साथ मारपीट कर दी। क्या कुछ कारण रहा, आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से। मामला थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत गोपालगंज निवासी किशन प्रताप का है। जब किशन प्रताप अपने घर पर था, तभी दो लोग प्रताप सिंह और मोहन रेगवार उसके घर पहुंचे और पुरवा तक छोड़ने को कहा, जहां किशन प्रताप सिंह मोटरसाइकिल से उन्हें छोड़ने के लिए निकला, तभी बरकुआ काटी के आसपास जंगल में प्रताप सिंह और मोहन रेगवार द्वारा किसने प्रताप सिंह के हाथ पैर बांध कर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद उसे दोबारा से साथ में ले जाकर अपने घर तक ले गए और घर में भी उसके साथ बेजोड़ मारपीट दोबारा से शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक किशन प्रताप सिंह ने प्रताप सिंह व मोहन रेगवार के पिता के साथ गाली गलौज की थी, जिसका बदला उन्होंने आज जाकर लिया। हमारे यहाँ दो घर पर आए हैं, घर से बोले कि कुआ पे जाना, हमें रास्ता बता देना, सुन लगवा गए साथ में। फिर वहाँ कुआ पे ना जाके घर पहुँच गए अपने गाँव, पाँची बार कुआ के बीच में एक रास्ता पर रोका, वहाँ पर मैंने हाथ बांधे और पैर बांधे, फिर वहाँ पैर मारा, फिर उसके बाद फिर अपने घर पर लगवा गए, घर पर लगवा कर वहाँ पर बांधा और फिर वहाँ पर जाना। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि आदिवासी परिवारों के लिए सरकार के द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। ये आदिवासी परिवार के लोग इन दिनों बारिश में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाली गर्मियों को तो इन लोगों ने झेल लिया है, लेकिन इस बारिश में उन लोगों का जीना भी मुश्किल होता है। इन आदिवासी परिवारों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी सहायता नहीं की जा रही है कि जिससे कि वे अपने जीवन यापन कर सकें और अपना आशियाना बना सकें। सरकार के द्वारा जगह जगह पट्टे तो बांटे जा रहे हैं और बांटे गए हैं, लेकिन आदिवासी परिवारों के लिए पट्टे नहीं दिए गए। और यह पहले सागर रोड पर बसे हुए थे और अब यह जाकर हनुमान टोरिया के पास स्थित किनारे पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। वहीं इनके परिवार में रहने वाला दीपक आदिवासी, जो कि सीलिंग होम स्कूल में पढ़ के अपना भविष्य बनाने का सोच रहा है, लेकिन इसके पास ना तो लाइट है और यह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। पूर्व में हमारे द्वारा इस खबर को भी प्रकाशित किया गया था कि दीपक आदिवासी, जो कि कक्षा 10वीं का छात्र है और सीलिंग होम स्कूल में पढ़ के अपना भविष्य बनाने का सोच रहा है और इसका सपना है कि IAS अधिकारी और किसी पुलिस विभाग में जाकर के अपने जीवन और अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है, लेकिन स्ट्रीट लाइट में रहकर ये पढ़ाई गर्मियों में तो कर सका, लेकिन अब इस आने वाली बारिश में यह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अपनी पढ़ाई करता रहा, लेकिन इस बार बारिश में
ना तो इसका कोई मकान है और स्ट्रीट लाइट के नीचे ना ही कोई ऐसी छाया है कि यह बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकेगा। कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार के जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है। इन लोगों का मांग है कि यदि जल्द से जल्द हम लोगों को पट्टे या मकान बनवाने की स्वीकृति नहीं दी गई तो हम लोग धरने पर भी बैठ सकते हैं। अब ये तो सड़क पर रोड पे डले हैं, आता ऐसा है कि हमारे पास पैसा है नहीं कि हम कौन जगह जमीन ले लीजिए, हमारे पास नहीं है। हम तो अब फुटबाथ पे डरे हैं, सो जहाँ पर रहा तो वही भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाइए बताओ, जीवन यापन करते हैं। अब पन्नी लगाए हैं, वही में पन्नी पकड़े रहते है, हवा तूफान भी आउट है तो को पकड़े रहा तब कपड़ा बच पाऊत हमारे। हम हनुमान टोरिया के नीचे हैं और वहाँ बिजाम नाके से भगा दिया गया। यहाँ भी साहब भगा रहे हैं, बार बार आते हैं कि यहाँ पे वो सर्किट हाउस है इसलिए वहाँ से भगाते हैं कि रोज़ साहब निकलते हैं, रोज यही कह के जाते हैं यहाँ हटा ले। अब हम लोग कहाँ चले जाएं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन रविवार का हाट छसाल चौक पर स्थित मेला ग्राउंड में लगता है, लेकिन यह बाजार अब इतना ज्यादा लगने लगा है कि हाईवे पर यह बाजार पहुंच गया है। हाईवे पर बाजार लगने की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है। कुछ दिनों पूर्व पठापुर रोड स्थित एक बच्ची जब अपनी मां के साथ यहां पर सब्जी लेने के लिए आई तभी हाईवे पर लगी हुई दुकानों पे जाम की स्थिति बनी रही और जाकर के ट्रक की टक्कर से उस मासूम की मौत हो गई। कहीं ना कहीं अब यह फिर से हादसा हो सकता है जिसके लिए प्रशासन को सचेत होना होगा और यह बाजार सड़क से हटा देना होगा। एक बार पूर्व में हमने इस खबर को भी प्रकाशित किया था कि यहाँ पर ट्रैफिक प्रभारी खड़े हुए थे और इनके द्वारा यहाँ पर हाईवे पर बाजार हटाने को लेकर कहा गया तो उनके साथ कुछ दुकानदारों ने झीना झपटी कर दी। इतना को दावत देने की तरह बाजार लग रहा है, आप देख सकते हैं रोडों पे ये बाजार लगा हुआ है जिससे किसी भी दिन कोई भी आपकी घटना हो सकती है, किसी की जान की जोखिम बना रहता है। आने वाले मतलब पिछले दिनों में हमने देखा कि एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ यहीं रविवार के हाट में, तो इसी में भी सरकार या नगर पालिका जो भी प्रशासन है कोई सचेत नहीं है, ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है इसके खिलाफ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर के जवाहर रोड इन दिनों पूरा पार्किंग स्थल बन चुका है। पिछले दिनों भी आपको खबर दिखाई गई थी कि यहां पर पेट्रोल पंप के समीप लोडिंग वाहन खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन इन पर नजर नहीं रख रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भी खबर दिखाई गई थी कि यहाँ पर लोडिंग वाहन खड़े रहते हैं और पूरा गैरेज का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब यातायात प्रभारी से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा एक बैठक करके पहले निश्चित कर लिया जाएगा कहां कहां पर पार्किंग स्थल हैं, फिर उसके बाद यदि कोई उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों जब तत्कालीन यातायात प्रभारी अंजना दुबे द्वारा जो वहां पर वाहन खड़े किए गए थे उनको हटाया गया था, उनकी जगह ट्रांसपोर्ट नगर में निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये जवाहर रोड पर पेट्रोल पंप के समीप पूरा गैरेज बनाए हुए हैं। अब देखना है खबर दिखाए जाने के बाद कब तक प्रशासन चेतता है। किसी की परमिशन नहीं, जिसको मर्जी है जो चाहे वहाँ पर खड़ा करे, चाहे बड़ी खड़ी करे और चाहे छोटी करे, चाहे बस खड़ी करे। हाँ। अपना राज चल रहा है यहाँ पर। हाँ। किसी का राज नहीं है यहाँ पर। पार्किंग कराने गुड्डू सिंह के भैया के यहाँ पर गए थे और बच्चन भैया के पास गए थे हम लोग जगह के लिए बच्चन भैया के लिए गए थे और एसडीएम साहब के पास भी गए थे कि हमें जगह चाहिए, कहीं हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कहीं कोई जगह मिलती हम लोगों को। सब गाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दे दी गई, तीन दिन चार चार दफा यहाँ से कोई जान ही नहीं चाहता। यहाँ से हम सोचते सब लोग ट्रांसपोर्ट नगर चले, यहाँ कम से कम व्यापारी आता है तो ले जाता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अगर आप जीएसटी की चोरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी दुकान पर या दफ्तर पर छापामार कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप सुरक्षित हैं, ये सोच आपकी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि सतना की एंटी विजन टीम एक चलित जांच दल के रूप में भी आपका माल पकड़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ रविवार को जब छतरपुर के जवाहर रोड पेट्रोल पंप पर एक गोल्डन बस सर्विस की बस से कॉपर का तार और कुछ सामग्री चलित जांच दल ने पकड़ी।
सतना से आई सेलटेक्स विभाग की इस टीम ने बस के रुकने के बाद इसमें से जो माल जब्त किया है उसमें कुछ कच्चे बिल पकड़े गए हैं, जिसको लेकर व्यापारी पर जुर्माना भी किया गया है। यहाँ पर जो है जैसे ट्रांसपोर्ट का जो माल है वो बसों में आता है ना, वैसी सूचना रहती है कि भाई बसों में भी बिना बिल के 2 नंबर का माल आता है, तो उसकी जाँच करने के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे थे रोड से, तो देखे माल अनलोड हो रहा है तो उस माल की जाँच करने के आ गए। लगभग कितनी बसें ऐसी सर अभी उस सूचना हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, देखे माल उतर रहा है तो उसमें जो है देखे माल चेक किए उसमें बिल नहीं पाया गया, तो व्यवसायियों को बल बताया गया है तो उसमें पेनल्टी कार्रवाई कर रहे हैं और वो जमा हो जाएगा चलान। लगभग कितनी क्या पेनल्टी लगेगी? ज़्यादा नहीं है, 20-30 हज़ार का माल। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने जिन्होंने 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सम्मानित करने जा रहे हैं। इन छात्रों को लैपटॉप वितरण भी किया जाएगा। छतरपुर से लगभग 230 बच्चों को भोपाल बुलाया गया है। भोपाल में उनका सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। छतरपुर से ये बच्चे मुस्कुराती हुई तस्वीरों के साथ रवाना हुए। शिक्षा विभाग की एक टीम 15 सदस्यीय दल इन बच्चों को विशेष एसी बसों से भोपाल लेकर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि पहले 85% से अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75% से अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को भी ये सौगात दी है। भोपाल जा रहे हैं जो अभी परसेंटेज की वजह से मुख्यमंत्री जी से हम लोग को गिफ्ट मिलने वाले हैं। भोपाल जा रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है भोपाल जा रहे हैं। किस चीज के लिए जा रहे हो? वो लैपटॉप वितरण योजना है उसके अंतर्गत उसी को। कितनी परसेंट आई थी? 80.2। ये माननीय मुख्यमंत्री का जो मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत है, अपने यहाँ से 225 बच्चे जा रहे हैं और बेटे बेटियों को संपूर्ण एसी बसों में व्यवस्था की गई है। 5 गाड़ियाँ हैं और एक छोटी गाड़ी है और लवकुश नगर से भी गाड़ियाँ आई हैं 2, है ना, उनके साथ में पूरी व्यवस्था बना करके बच्चों की संपूर्ण सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ से ले जा रहे हैं। बच्चों की हर सीट पर एक एक पानी की बोतल रखी गई है। चूँकि एसी गाड़ियाँ हैं तो अगर उनको कहीं वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आएगी तो ड्राइवर को बता दिया है। गाड़ी में जो मेरे प्रभारी शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं उनको निर्देशित कर दिया है और एक एक पॉलीथीन भी सीट के साथ में अटैच कर दी गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर इस घंटे की खबर देखेंगे। सबसे बड़ी खबर है छतरपुर के कृषि उपज मंडी कार्यालय में आज कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत जिले के लगभग 31,000 किसानों को 39 करोड़ रुपए के लगभग का बोनस वितरित किया गया। इस बोनस को बांटने के लिए कृषि उपज मंडी में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद नागेंद्र सिंह जो कि खजुराहो से सांसद हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही बिजावर विधायक गुड्डन पाठक, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। किसान भी बड़ी संख्या में पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अतिथियों के मुख से सुनते रहे। इस दौरान सांसद नागेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार किसानों के लिए जितना काम कर रही है अगर इसको भी किसान हितैषी काम नहीं माना जाएगा तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह जैसे लोग या कमलनाथ जैसे लोग किसान हितैषी कभी नहीं हो सकते। उनके पूरे भाषण को सुनिए, साथ ही उनके इंटरव्यू को सुनिए जिसमें उनसे सवाल किए गए छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर, उनके क्षेत्र से लापता रहने को लेकर और साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह के ये कार्यक्रम चुनावी वर्ष में कर रही है। सरकार ने निश्चय किया है कि जो उनको समर्थन मूल्य अभी तक हम लोगों ने दिया है खरीदी में, उसके अतिरिक्त बोनस के रूप में, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि अभी तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं कि हम उनको उनके उपज का सही मूल्य हमका स्वीकार पैसे हम उसके नज़दीक पहुँचे। इस योजना के तहत हम उसके नज़दीक व्यक्त कर रहे हैं और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहे, जिससे अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ये पद्धति चलती रही है तो वह लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे कि किसान जो खेती कर रहा है वो एक लाभ का धंधा बन जाएगा और उसके उचित मूल्य मिल जाएगा। जिस प्रकार
सरकार का परफॉर्मेंस अभी पिछले 10-15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है। उनके पूर्व का जितना भी कोई पूर्व शासन का इतिहास आप देख लें, इस प्रकार का परफॉर्मेंस तुलनात्मक दृष्टि से नहीं हुआ है। और इसलिए मुझे शंका है इस बात की कि अगर ये कभी सत्ता में आ जाएंगे तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस कर देंगे। एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेडिकल कॉलेज कोई एक छोटी चीज़ नहीं होती है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। मेडिकल कॉलेज कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर प्रदेश में डॉक्टरों का अभाव है। डॉक्टरों की बहुत बड़ी संख्या में हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम ये चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खुले जरूर, लेकिन इसी प्रकार से क्वालिटी में हम समझौता न करें। हम उचित क्वालिटी भी देना चाहते हैं ताकि वहाँ पर सही इलाज हो। हम किसी प्रकार का कॉलेज बिल्डिंग खड़ा कर दें और वहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे मेडिकल कॉलेज खोलने से आवश्यकता है। इसलिए जहाँ कहीं भी हो पहले तो अच्छे चले, उसके बाद नए खुले। अभी भी आपके यहाँ पर छतरपुर में 300 बिस्तर का एक नया विंग खुल रहा है, वो लगभग मेडिकल कॉलेज के बराबर ही है। वहाँ पर सुविधाएँ टॉप क्लास की होनी चाहिए। हमारा प्रयास पहले ये होना चाहिए। मैं गांव में जाता हूँ तो 15 लोग मिले, बाकी लोग खेत में हैं। अब जब दोबारा गया कैसे साहब आप आए नहीं, तो मैं कहा 10 दिन पहले तो मैं आया था यहाँ। एक बात ही, दूसरी बात ये है कि मेरे क्षेत्र में 1994 गाँव, अब 1494, और मुझे लगता है कि अभी आप लोग हिसाब लगाइए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्या, बांदा से लेकर के उमरिया तक। मैंने एक दिल्ली के पत्रकार बंधुओं में से बात करने आए, मैं कहा दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक मेरा क्षेत्र यहाँ पर, वो हैरान हो गए। मैंने कहा मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र ऐसे ही है, यद्यपि संख्या कम है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में जाकर के कई करोड़ लोग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल 20 लाख है। लेकिन भाषा तो उतना ही करना पड़ता है, लेकिन ये कुछ बातें लोग कहते रहेंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बदनाम से भी उससे कोई प्रश्न नहीं है, कोई बदनामी प्रश्न नहीं है। तो अपना काम कर रहे हैं। कई बार अभी बीच में आवाज़ उठी कि मुख्यमंत्री किसान हितैषी नहीं, उसका जवाब मैं दे रहा था। मैं उनके साथ 10 साल तक मैंने काम किया, कई बार ऐसे अवसर आए हैं क्योंकि मैं शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। जब मैंने सोचा उनसे कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम थोड़ा ज़्यादा खर्च करें, मैं PWD मिनिस्टर था, मुझे पैसा चाहिए था सड़क बनवाने के लिए। हमने तय किया कि 55,000 गाँव मध्य प्रदेश के 55,000 गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना, उसके लिए हमारे सामने एक निश्चित राशि की आवश्यकता थी। वो राशि में किसी प्रकार की कमी पड़े, आखिरकार पैसा अगर हम किसानों को देंगे तो कहीं ना कहीं से तो हमको किसी न किसी योजनाओं से तो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने इनसे कहा, जब कभी भी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझे सड़क बनाने के लिए और कहीं नागेंद्र सिंह जी आपको मैं पर्याप्त पहुँचा दूंगा, लेकिन किसानों का हित पे। इसलिए मैंने कहा कि इतना व्यक्ति जो लगातार किसान 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 ही बात करते थे, उसके ऊपर ये आरोप लगे। सुधार हो सकता है, नई नीतियाँ बन सकती हैं, जो योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन गलत बन गई है तो उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि उस व्यक्ति की नीयत गलत है, यह इस बात को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। कौन से कार्यक्रम में आई थी, यहाँ कैसी व्यवस्था है? ग्राम सेवक गए थे तो कह रहे थे कि वहाँ मीटर लग रही है किसानी की, तो आप सुन घूम के आ जाना। तो हम लोग आ गए 11 बजे, उनने 150 किराया दिया था। अब इधर आए तो बैठने जो तो सब कुछ है, खाना पीना नहीं मिला कुछ नहीं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 1 जून से लेकर 10 जून तक गांव बंद आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा था। देश के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा था, लेकिन इसका ज्यादा असर राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला। मंदसौर आदि जगहों पर भी इसका असर देखने को मिला। 10वें दिन यानी कि 10 जून को पूरे भारत बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित की जानी थी। हालांकि इसके लिए पुलिस द्वारा पहले इंतजाम किए जा चुके थे। छतरपुर में इस बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला, उसके बावजूद पुलिस ने अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखी थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात थी। पूरी व्यवस्था अपने छतरपुर में, ये अपना रैली आज कुकुर में निकलना है, हेलमेट रूट की व्यवस्था की पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी लगाई थी, तो आज शाम तक 7 बजे तक ड्यूटी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ईशानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जनकपुर के एक 9 वर्षीय बालक की
हालत इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नबी की हालत ख़राब होने के बाद उसे पनौठा के एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाया गया और उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद पहले तो कुछ हालत ठीक दिखी, जिससे कि परिजन उसे घर ले गए, लेकिन घर जाने पर अचानक ही उल्टियां होना शुरू हुई और उसके बाद बच्चे का शरीर अकड़ने लगा। इसके बाद वे तत्काल उसे जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां उसे भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, इलाज चल रहा है। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम पनौठा गांव दिखाने के लिए गए थे, तो पनौठा गांव के चांसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसको, तो पहले उसको उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद अकड़ने लगा, फिर बेहोश हो गए। हमको तो गंभीर ही हालत समझ में आ रही है अभी बहुत ज़्यादा। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए और नए ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए पेप्टिक टाइम। नमस्कार।